अगर सभी लोग पकोड़े की दुकान लगा के बैठ जाएंगे तो ये हिंदुस्तान पकोड़ों की मार्केट कहलाई जाएगी। क्या मोदी जी इसके लिए तैयार हैं? मोदी जी के जितने भी सांसद थे जिन्होंने गांव को गोद लिया था, खाली उसी का विकास बता दे, एक ही गांव का, सिर्फ एक गांव का, चाहे वो जब मोदी जी नहीं थे महंगाई नहीं थी, अब मोदी जी आए तो महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई इस टाइम याद है हमें सबको, आपको मिले, आपको मिले 15 लाख का वादा करते हैं, चुनावी जुमला होता है, ना कोई नौकरी दे रही है ना कुछ दे रही है। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। हमारे पीछे जो है काफी लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं पकौड़े नहीं रोजगार चाहिए, पकौड़े तल्ला रोजगार नहीं मान रहे हैं। हाजी भैया, पकौड़े नहीं भैया, आप कह रहे हैं पकौड़े नहीं रोजगार चाहिए, क्यों पकौड़े तलना रोजगार ही नहीं मानते हैं? जिन जिन के पकौड़े तले हैं आज तक उनके घर में झांक के देख लो, उन पकौड़े से उनके घर परिवार को कितनी सहूलियत हुई है, कितनी नहीं हुई है। आज जिस आदमी के पास रोजगार नहीं होगा तो पकौड़े खाने कहाँ से जाएगा? रोजगार होगा तो पकौड़े खाएंगे, रोजगार नहीं होगा तो पकौड़े नहीं खाएंगे। और जो ऑलरेडी पकौड़े का रोजगार कर रहे हैं उनके घर में झांक के देख लो, उनके घर में कितनी सहूलियत है, कितनी नहीं है। क्या उनका बच्चा टाइम से स्कूल जा रहा है, या स्कूल की फीस दे पा रहा है, या बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित सबको दे के जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, ये अपना इलाज करा रहे हो पकौड़े वाले, तो एक बताएं। लेकिन एक तरफ नारा दिया जा रहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार, फिर क्या? सर अभी पिछले हफ्ते एक रिकॉर्ड आया है जिसके अंदर 2 करोड़ 10 लाख लोगों की रोजगार छीन लिया गया है। देना तो दूर की चीज़ है, 2 करोड़ 10 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया गया है, और 40-50 लोग ऐसे हैं जो स्टैंड बाई पे हैं, उनको जब मर्जी हटा सकते हैं वो। अच्छा, फिर आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी? अब हम ये सोच रहे हैं कि जो भी हमारे बच्चे भाई बहन छोटे जितने भी जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है और कोर्स पूरा कर लिया, उनको रोजगार दिया जाए ताकि आने वाला भविष्य, जो मोदी जी कह रहे थे भविष्य सुरक्षित होगा, वो भविष्य भी इन्होंने आने वाले बच्चों का छीन लिया है। लेकिन जिक्र तो बार बार किया जाता है चुनाव के समय में, तो फिर क्यों ऐसा बेरोजगारी का आलम बढ़ जाता है? असल में आलम इसलिए बढ़ जाता है कि मोदी जी जो है उनका तो पिछले सबसे पहले जो चुनाव था उसमें ये था कि हर व्यक्तियों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, वो चुनाव का जो याद है आप लोगों को, सबको याद है हमें सबको, आपको मिले, आपको मिले 15 लाख का वादा करते हैं, चुनावी जुमला होता है, ना कोई नौकरी दे रही है ना कुछ दे रही है, सिर्फ इनका एक चुनावी भाषण होता है जी नौकरियां देंगे, 15 लाख देंगे, देते कुछ नहीं, सिर्फ ये क्या करते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। लेकिन अब युवा जाग चुका है, अब रोजगार की राजनीति होगी, रोजगार देना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि हम बच्चों को जो एजुकेशन देते हैं या बच्चों को ग्रेजुएशन देते हैं इसलिए देते हैं कि वो नौकरी पे लगे, ये नहीं कि वो पकौड़े तले, सिर्फ एक ही बात है रोजगार देना है। क्यों क्यों नहीं दे पा रही है सरकार रोजगार? रोजगार वजह है देखो, जिन जो जब सारे सेक्टर आप प्राइवेट कर दोगे, रेलवे को प्राइवेट कर दोगे, एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दोगे, LIC को प्राइवेट कर दोगे, तो फिर नौकरी बचेगी कहाँ? फिर तो वो लोग अपने अपने लोगों को लगाएंगे। मोदी जी को चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको चाहिए कि 4 लोगों पे से ध्यान हटा के जनता पे ध्यान लगाएं। कौन चार लोग? आपको सब पता है अदानी अंबानी और कौन होगा इनके अलावा, है सब पैसे ले लेके भाग रहे हैं, चौकीदार जो है वो खड़ा है लेकिन देश का पैसा लूट रहा है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं युवा जाग चुका है, मोदी जी को रोजगार देना पड़ेगा। लेकिन जब लोगों से बातचीत करते हैं तो बार बार जिक्र किया जाता है कि मोदी जी किसके लिए काम करेंगे, आप जनता के लिए तो काम करते हैं। जनता के लिए काम किया है, हजारों करोड़ रुपए लेके चले गए, या तो वो कह रहे थे कि काला धन वापस लाऊंगा, लाए, मिला किसी को, क्यों नहीं किया? वो तो उनका एक नारा था, उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी था कि सबका साथ सबका विकास करें। अच्छा नारा है जी, फिर क्यों उसके अपरित क्यों जा रहे हैं? इसमें सच्चाई देख रहे हैं आप? कोई सच्चाई नहीं है, आपने सिर्फ एक चीज बताया, तो मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इन्होंने जो गाँवों को गोद लिया था उसके एक गाँव का विकास बता दीजिए, सिर्फ एक गाँव का, जो गांव को गोद लिया जाए, जो इन्होंने गांव में जो हर सांसद ने एक गांव गोद लिया था, सर एक गांव का विकास बता दे, सिर्फ एक गांव का। भाई को सब याद है, जनता को सब याद है, जनता को सब याद है, मैं कहता रहा हूँ। मोदी जी के जितने भी सांसद थे जिन्होंने गांव को गोद लिया था, खाली उसी का विकास बता दे, एक ही गांव का, सिर्फ एक गांव का, चाहे वो आपके नजर में कोई वो गांव याद है जिसको गोद लिया गया था, कुछ याद हो? भाई उनसे ये पूछ लो कि उन्होंने कौन सा गाँव याद लिया होगा, उनको खुद नहीं याद होगा, हमें तो जब याद होगा भैया, हमें याद है, लेकिन जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है उन लोगों को चाहिए। कुछ तो काम अच्छा देखा होगा इस सरकार में। भाई एक काम अच्छा करा इन्होंने, जो मैं बताता हूँ विपरीत बता रहा हूँ, जो ये कहते हैं हम 15 लाख देंगे, जुमला था ना ये, 15 लाख तो मिले नहीं, जो बहन बेटी हो जो हमारी बुजुर्ग माताएं थी उनके पैसे जो है सुरक्षित रहते थे, जो वो अंदर रखती थी, किसी को नहीं बताती थी,
लेकिन नोटबंदी में उनके सारे पैसे सार्वजनिक हो गए और उनको वो पैसे आज तक वापस सही तरीके से मिल भी नहीं पाए हैं। तो 15 लाख तो दूर की चीज है, अब रह गया रोजगार का। ये कह रहे थे हम कम से कम 2 करोड़ हर साल में नौकरी देंगे, नहीं दी, बल्कि 2 करोड़ 10 लाख तो नौकरी इन्होंने वापस ले ली 40-50 लाख स्टैंड बाई में। और जितने भी कहते हैं कि भाई जो पढ़े लिखे नौजवान है वो पकौड़ा बेचें, आप मुझे बताइए मीडिया का काम करके आप पकौड़ा बेचना पसंद करेंगे? आप ही बताइए भाई, आप ये कैमरा सैमरा मत लो, मीडिया में मत जाओ, आप पकौड़ा बेचो। अगर आप पकौड़ा बेचेंगे तो जितने भी नौजवान हैं, चाहे इन्होंने इंजीनियरिंग की हो चाहे कोई सी भी पढ़ाई की हो, अगर वो पकौड़ा बेचेगा, अगर मीडिया पकौड़ा नौबत आ क्यों रही है, क्या पीछे की? तो ये मोदी जी से पूछिए ना भाई, जो 10 लाख करोड़ ये अंडानी का जो बैंकों का पैसा है उसको उन्होंने उसको माफ कर दिया, लेकिन जो दिल्ली सरकार या अदर सरकार जो भी है जो जनता के हित में काम कर रही है, बिजली पानी शिक्षा से संबंधित काम कर रही है, वो कह रहे जी स्कीम बंद कर दो। मतलब बैंकों का पैसा मुफ्त की रेवड़ी क्या, वो तो दिल्ली सरकार को भी सरकार बता रहे हैं। लेकिन अब इनसे ये पूछो, अगर सभी लोग पकोड़े की दुकान लगवा के बैठ जाएंगे तो ये हिंदुस्तान पकोड़ों की मार्केट कहलाई जाएगी, क्या मोदी जी इसके लिए तैयार है? फिर अब क्या सोच रहे हैं आप लोग, जैसे आप लोग रोजगार आंदोलन कर रहे हैं, हम जो रोजगार आंदोलन कर रहे हैं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है जिनका भविष्य है अब सुरक्षित नहीं लग रहा, जब तक ये सरकार रहेगी मतलब सबका भविष्य भी मजबूत है और आने वाला इरादा भी मजबूत है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं, आप सिर्फ 5 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित बता दो सरकारी नौकरी के अलावा। पहले क्या होते थे, हर आदमी चाहता था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था पहले थी, जो ये प्राइवेटाइजेशन करके इन्होंने सबकी रोजगार खत्म कर दिए, सरकारी नौकरियां बंद कर दिए, जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको जो फायदा पहुंचाया जा रहा है वो आम पब्लिक को फायदा पहुंचाया जाए, ताकि वो पढ़ लिख के सरकारी नौकरी या किसी भी अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। सिर्फ जो होगा व्यवस्था करें, ना कि किसी का बैंकों का लिया हुआ लोन, जो बैंकों का पैसा है, ये आम पब्लिक का पैसा जो बैंक से ले लेते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको माफ ना करके सिर्फ लोगों को जॉब देने की तैयारी करें। अब ये आपके बंदे क्या कुछ चल रहा है सरकार को लेकर बता रहे जो आप कुछ बोलेंगे? हाँ बोलिए। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, जो इतनी बेरोजगारी लोगों को बेरोजगार दें, यानी वो रोजगार उनके पास है नहीं है, सारे बच्चे त्राही त्राही मचाए हुए, पूरा हिंदुस्तान बिना रोजगार के त्राही त्राही मचा हुआ है, तो मेरी मोदी से आग्रह है कि सब बच्चों को रोजगार दें, अगर रोजगार रहेगा तो खुशहाली रहेगी, हमारा देश खुशहाल रहेगा। अच्छे दिन के आए हैं, अच्छे दिन अदानी के आए हैं, अंबानी के आए हैं, और किसी के नहीं है, किसी के नहीं आए, पूछ रहा हूँ आप लोग नहीं आए भाई, सबके बुरे दिन चल रहे हैं, नारे तो सरकार ने दिए थे ना, कह रहे अच्छे दिन आ जाएंगे, बहुत ही बेरोजगारी, मोदी सरकार बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जो थोड़े बहुत अच्छे दिन थे वो तो गए, और जितने बुरे दिन आने थे इस 8 साल के अंदर सारे बुरे दिन आ गए हैं जो हमने देख लिए। हाँ, ये सरकार आई थी वही नारे आज इनके लिए घातक साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो इन्होंने महंगाई की मार तो सबको दिखा दी उस टाइम इन्होंने सत्ता में आ गए, लेकिन महंगाई अब महंगाई आ गई इनके आते ही, महंगाई नहीं थी इतनी जितनी जब मोदी जी नहीं थे, महंगाई नहीं थी, अब मोदी जी आए तो महंगाई चरम सीमा पर है महंगाई इस टाइम। कुछ काम काज में समझ में आ रहा है मोदी जी? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमें तो सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो GST लगा दी है इस टाइम, एक वाली चीज़ों पे GST लगाई है इन्होंने, जो घर की जरूरतों की चीज़ें होती हैं जैसे कि छाछ दूध आटा तेल चावल, इनों पे GST लगा दी, जिसको इन्होंने पहले छोड़ दिया था कि खुली वस्तुओं पे हम GST नहीं लगाएंगे, बाद में इन्होंने उन चीज़ों पे फिर GST लगानी शुरू कर दी। हमारा तो सिर्फ गवर्नमेंट से ये कहना है कि जो नीति पहले बनी हुई थी रोजगार की, उसी नीति को दोबारा लागू किया जाए। एक तो बेरोजगारी को लेकर आप आंदोलन थोड़ा आगे आ जाइए, आंदोलन कर रहे हैं, ऊपर से महंगाई, तो क्या कुछ चल रहा होता है इसमें? वो इंसान कुछ चल रहा है ना जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, जो उनके लिए रोजगार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और वो पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा है वो बच्चा उनका ना उनके बच्चे। मोदी जी से ये कहेंगे कि जो नीतियां हैं जो रोजगार के देने के अवसर है वो दोबारा पैदा करें, अपने यार दोस्तों को ना दो, जो आपने जियो को दे रखा है, जो आपने अडानी को अंबानी को दे रखा है, इन बेरोजगार लोगों को दो, आप एक नीति बनाओ इनके लिए, रोजगार की नीति बनाओ, जिसके लिए आज ये आंदोलन यहाँ खड़ा हुआ है। एक आखिरी सवाल आप दोनों लोगों से, आखिरी सवाल है मेरा कि पहले तो आप जवाब दे दीजिए कि जो है चुनाव का समय मुद्दा बहुत बनता रहता है कि जो है युवाओं का साथ देंगे, युवाओं का साथ लेंगे, ठीक है, और फिर काफ़ी अच्छे अच्छे नारे भी दिए जाते हैं कि चुनाव होने के बाद क्या होता है कि युवा फिर सड़क पे आ जाते हैं, फिर कुछ होते नहीं, क्या इसकी पीछे की वजह भाई? इस बार क्या अहम रोल रहने वाला है? देखिए मोदी सरकार जब से आई है आप ये सोचिए MCD इनके अधीन है, MCD का डॉक्टर नर्स टीचर सफाई कर्मचारी हर 6 महीने पर धरने प्रदर्शन पे आ जाते हैं कि हमारे को तनख्वाह दो,
जिनको रोजगार मिला हुआ उनको तो तनख्वाह दे नहीं पा रहे जी, तो नया रोजगार कहाँ से देंगे? तो हम ये चाहते हैं कि जो पहले फिलहाल तो जिनकी नौकरी लगी है उनको टाइम से तनख्वाह मिल जाए, उनके परिवार जो है सही से पालन पोषण उनका हो सके, वो अपने बच्चों की फीस जमा करा सके, उनको कोर्स पर जो भी करा सकते हैं कराएं। और जो जैसे मनरेगा के अंदर थी कि इतने टाइम की वो जो है तनख्वाह वो मतलब मजदूरी तो मिलेगी मिलेगी, जो प्रणाली पहले थी अभी कर दो। इन्होंने जो ठेकेदारी प्रथा ना उसको ख़त्म कर दो, क्योंकि ठेकेदार के मन में जो जिसको पैसे देता है वो जिसकी नौकरी लगाता है उससे भी पर नौकरी के हिसाब से कमीशन रख लेता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं सिर्फ उनको रोजगार दे दे ताकि सबके सुख परिवार से इनका पालन पोषण हो सके। कुछ कहना चाहेंगे आखिर शब्द? कहने की बात यह है कि बच्चे को पाल पोसर के जो पढ़ा किया जाता है उसके साथ पूरी मेहनत होती है, बच्चे पर आदमी कितना पैसा खर्च करता है वो इसलिए नहीं करता कि उससे पकौड़े तलवाए। तो मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट ये है, विनती है, आरजू है, इतने लोग हैं सबका एक ही बात है सबकी कि प्लीज़ आप सबको रोजगार दें, ना कि चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं।